Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and aaj hum padhenge class 11th ki English ka first chapter, Portrait of a Lady. And this is a very sweet chapter. We all share a different kind of a bond with our grandparents. Hum hamesha bachpan mein apne dada dadi nana nani unse ek alag type ka bond share karte hain. And you all know that dheere dheere jab hum bade hone lagte hain, school jaate hain, tuition jaate hain, college mein aa jaate hain, to wo jo bond hai wo dur hota rehta hai and hamare jo grandparents hai wo alienate ho jate hain, yani ki wo humse dur ho jate hain. And aa jaate hue bhi hum log unko time nahi de pate. Studies ke pressure ke under hum apne dada dadi nana nani ko टाइम नहीं दे पाते हैं. स्टार्ट करते हैं. एंड अगर आपको चैप्टर के नोट्स चाहिए, पोएटिक डिवाइजर, लिटरेरी डिवाइजर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है. वहां मैं सारे चैप्टर के नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ. यू कैन गो एंड टेक इट. तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी स्टार्ट होती है खुशवंत सिंह. बताते हैं इसमें दैट उनका जो घर है वहां पर एक मेंटल पीस के ऊपर एक पोर्ट्रेट लगी हुई है. वो पोर्ट्रेट किसकी है? जो खुशवंत सिंह है उनके दादाजी की. ओके, तो वो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को और वो बताते हैं कि वो जो मेरी दादाजी की जो पोर्ट्रेट है उसमें वो इतने बूढ़े लग रहे हैं, मतलब कि वो ऐसे लग रहे हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कभी वो जवान भी थे. हम ऐसे देखते हैं ना, अगर किसी बूढ़े इंसान को देखें तो हमें, अगर वो कहते हैं कि जवानी में बहुत सुंदर थे, तो हम सोचते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है. दिस इज़ वॉट. तो वो खुशवंत सिंह बताते हैं हमारे को कि मेंटल पीस के ऊपर एक पोर्ट्रेट लगी हुई थी उनके ग्रैंड फादर की एंड उसमें वो बहुत ओल्ड लग रहे थे. और उसको देखे वो बोलते हैं दैट ही लुक्स लाइक पर्सन जिनके कभी बच्चे नहीं हुए होंगे, जिनका कभी कोई यंग जनरेशन नहीं थी, वो हमेशा से ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनके. यानी कि उसके दादाजी की जो फोटो वहां लगी हुई थी वो बहुत बूढ़े लग रहे थे उसमें. सेकेंडली वो क्या बताते हैं अपने दादाजी के बारे में, दैट वो बहुत ही ज्यादा, यू कैन से दैट, बूढ़े तो थे. इतनी बड़ी बड़ी उनकी बियर्ड थी, व्हाइट कलर की बियर्ड थी जो उनकी चेस्ट को कवर कर रही थी एंड ही वॉज वेरी ओल्ड. तो यहां पर उन्होंने अपने ग्रैंड फादर का दिया हमें डिस्क्रिप्शन. उसके बाद वो आते हैं अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. ठीक है, तो जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर थी उनका और खुशवंत का बहुत ही ज़्यादा एक अटर क्लियर बाउंड था, मतलब कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप था. वो क्यों था? बिकॉज देखो क्या होता है, खुशवंत सिंह के जो मम्मी पापा होते हैं वो सिटी में, पुराने ज़माने का चैप्टर है ये, वो सिटी में गए होते हैं काम के लिए. ठीक है, अर्बनाइजेशन होता है, आपको पता है लोग गाँव से शहर जाते हैं काम ढूंढने. तो जितने समय के लिए उनके मम्मी पापा खुशवंत सिंह के शहर जाते हैं, सिटी में जाते हैं काम ढूंढने, तो उतने समय के लिए खुशवंत सिंह और उनकी दादी जो थी इकट्ठे रहते थे एक ही घर में. और खुशवंत सिंह के लिए सारे काम जो एक मदर को करने चाहिए, सुबह उठ के तैयार करना, खाना खिलाना, पढ़ाई करवाना, नहलाना धुलाना, एवरीथिंग उनके लिए उनकी दादी करती थी. तो उनकी दादी के साथ उनका एक बहुत स्पेशल बॉन्ड था. और ये बॉन्ड चेंज होता है जब वो जाते हैं कहाँ पर, जब वो जाते हैं सिटी के अंदर. तो आज डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे हम इस चैप्टर का, कोई समरी नहीं है ये. विद इन 10 मिनट्स में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन एक एक पॉइंट के साथ आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगी. बिकॉज एज यू गाइज नो दैट आप लोगों के स्कूल में सीबीएसई बोर्ड के जो पैटर्न्स हैं अब चेंज हो गए हैं, जो एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन है वो आते हैं, इनसाइट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए चैप्टर की डिटेल स्टडी मांगती है. ठीक है, तो लेट अस स्टडी. तो जो खुशवंत सिंह है उन्होंने बताया अपनी ग्रैंड मदर को भी डिस्क्राइब करा. उन्होंने ग्रैंड फादर को तो डिस्क्राइब कर ही दिया था, अब अपनी ग्रैंड मदर को भी डिस्क्राइब करा कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो ओल्ड है, शॉर्ट है और थोड़ी सी फैट भी है एंड स्लाइटली बेंड. उनकी जो ग्रैंड मदर है थोड़ा सा क्रूच बैक होती है ना, थोड़ी सी बेंटेड है. हर सिल्वर हेयर्स आर स्कैटर्ड अनटाइडली ऑन हर रिंकल्ड फेस. सिल्वर हेयर मतलब उनके सफ़ेद बाल है और उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स हैं. ठीक है, एंड वो बेसिकली हमेशा व्हाइट कलर के कपड़े पहनती थी. क्यों? ये सब आपको क्वेश्चंस में लिखने के बाद, या व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रैंड मदर. तो वो व्हाइट कपड़े पहनती थी बिकॉज वो एक विडो थी. यू नो दैट उनके जो हस्बैंड है उनकी फोटो लगी हुई है दीवार पे. ओके, तो वो हमेशा व्हाइट कपड़े पहनती थी एंड हमेशा उनके हाथ में एक रोजरी होती थी. व्हाट इज़ रोजरी नाउ? तुम्हारे दादा दादी के पास भी एक रुद्राक्ष की माला होती होगी या फिर किसी और मोती की भी होती है, वो माला होती है, 108 बीट्स होते हैं उसके अंदर और वो उसको पढ़ते रहते हैं, है ना, भगवान को याद करते रहते उसे पढ़ते हुए. तो एग्जैक्टली वही जो उनकी दादी थी खुशवंत सिंह की, व्हाइट कलर की उन्होंने साड़ी पहनी होती थी और उनके हाथ में एक रोजरी होती थी और उससे वो एन्चैंट करती रहती थी, ऐसे एन्चैंट करती रहती थी, भगवान का नाम लेती रहती थी अपने हाथ में उसको लेके. सी ही ऑल्सो टोल्ड अस, खुशवंत सिंह बताते हैं कि मेरी दादी जो थी वो बहुत प्रिटी नहीं है कि मैं कहूँ हाँ बहुत प्रिटी है, बट वो जैसे भी थी वो हमेशा बहुत ब्यूटीफुल लगती थी. यानी कि वो इतनी बूढ़ी होने के बाद भी वो बहुत ब्यूटीफुल लगती थी. अब वो ब्यूटीफुल लगती थी इसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ करा है, ही कंपेयर्स हर ग्रैंड मदर टू अ सीरेन फेस दैट ऑफ अ विंटर लैंडस्केप. विंटर लैंडस्केप मतलब क्या हो? ये पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस की तरह आपके एग्जाम में आ सकता है. विंटर्स आपने देखिए पीस, काम, बर्फीला इलाका देखा है विंटर का, वो पेड़ ढके हुए हैं,
पेड़ ढके होते हैं बर्फ़ से और बिल्कुल ही वाइट कलर का सीरीन सा काम सा इलाका होता है वो, ऐसी पोर्ट्रेट बनी होती है। तो वैसे ही उनकी जो दादी माँ थी ना वो बिल्कुल वैसी ही लगती थी, बिल्कुल ही पीसफुल। वाइट कलर के उन्होंने कपड़े पहने हैं, सिल्वर कलर के उनके बाल हैं और हमेशा अपनी ही पूजा पाठ में लगी रहती थी। तो बिल्कुल ही वो एक सेल्फलेस काम इंसान उनको लगती थी, तो इसलिए उन्होंने कंपेयर करा अपनी दादी माँ को टू द विंटर लैंडस्केप, एंड ये आपको एग्जाम में आ सकता है। अब दादी माँ की अपीयरेंस तो हमें पता चल गई है, अब हम देखते हैं दैट जो उनकी दादी माँ थी वो उनके लिए बहुत सारे काम करती थी। एंड जब वो दोनों विलेज में रहते थे दे यूज टू लिव वेरी हैप्पीली, बहुत मज़े में रहते थे। लेट्स सी, तो उनका जो डेली रूटीन था वो क्या था, जब वो बहुत समय तक, मतलब आप समझ लो काफ़ी सालों तक उनके पेरेंट्स जो थे वो शहर में थे और दोनों के दोनों दादी और जो पोते थे वो रहते थे गांव के अंदर। तो जब वो गांव में रहते थे जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो सुबह सुबह उन्हें उठाती थी, ग्रैंड मदर उठाती थी। और पुराने ज़माने में ना ऐसे कॉपीज़ नहीं होती थी, कभी अपने पेरेंट्स से भी पूछना ग्रैंड पेरेंट्स से, स्लेट होती थी, पता है आपको, स्लेट होती थी। और जो स्लेट होती थी वो रोज़ सुबह साफ़ करनी पड़ती, जैसे हमारी कॉपी हमने तो पेज पलट लिया लिख लिया, बट सेट को रोज़ साफ़ करना पड़ता था। स्लेट आप मान लो एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड होता था, बच्चे साथ में वो और चॉक लेकर जाते थे स्कूल और पढ़ाई करते थे। तो वो बताते हैं कि ग्रैंड मदर रोज़ जो उनकी वुडन स्लेट थी उसको प्रिपेयर करती थी, उसको प्लास्टर यानी कि साफ़ सुथरा करके उस पर कपड़ा उपड़ा मार के तैयार करती थी, एंड उनको ब्रेकफास्ट भी खिलाती थी और उनको स्कूल छोड़ने जाती थी। और वो ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे, वो खाते थे स्टेल चपातीज़, यानी कि जो रात के बने हुए फुलके होते थे, रोटी होती थी वो सुबह खाते थे नाश्ते में, उसके ऊपर बटर और चीनी लगा के खाते थे। ओके, तो वो नाश्ते में क्या खाते थे ये भी आपको याद रखना है, नाश्ता करके स्लेट पैक करके दादी और पोता चले जाते थे स्कूल पढ़ाई करने के लिए। अब तुम सोचो कि दादी माँ क्यों जा रही हैं भैया स्कूल, तो एक और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी यहाँ विलेज स्कूल के अंदर। देखो क्या होता था कि इनका जो विलेज स्कूल था बराबर में एक मंदिर था, तो जितनी देर जो खुशवंत सिंह थे स्कूल में पढ़ाई करते थे तो दादी माँ मंदिर में बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, एंड जब छुट्टी का टाइम होता था तो दोनों साथ में घर आते थे। जब वो वापसी पे घर आ रहे होते तो रास्ते में दादी माँ सुबह अपने साथ स्टील चपातीस पैक करके ले जाती थी रोज। स्टील चपातीस वर्ड याद रखना, स्टील चपातीस होती है एक दिन पुरानी रोटी जो होती है, फुलका जो होता है वो, तो वो कुछ रोटियाँ पैक कर लेती थी डॉगीज़ के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए, गली के कुत्तों के लिए। एंड जब वो वापस आ रहे होते थे स्कूल से तो वो रोज़ उनको थोड़े थोड़े टुकड़े जो रोटियों के थे डॉगीज़ को भी डाल देते थे। तो दादी और जो ये पोता था इनका बहुत अच्छा माइंड पीसफुल रिलेशनशिप था, हर समय दोनों साथ में रहते थे, एंड दे यूज़ टू एन्जॉय देयर विलेज लाइफ। अब एक टर्निंग पॉइंट आता है उनकी लाइफ के अंदर जब दे मूव टू द सिटी, यानी कि उनके पेरेंट्स आ जाते हैं उन्हें सिटी में ले जाने के लिए। आई टोल्ड यू ना कि उनके पेरेंट्स जो थे खुशवंत सिंह के मम्मी पापा सिटी में थे, शहर में रह रहे थे, सेटलमेंट कर रहे थे उनके। जब वो सेटलमेंट हो जाती है तो वो कहते हैं कि अब गांव में रहने की जरूरत नहीं है, चलो हम शहर चलते हैं। तो जैसे ही वो शहर जाते हैं तो क्या होता है, जो खुशवंत सिंह है उनका एडमिशन हो जाता है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर। अब उनके बीच का जो बॉन्ड था दादी और पोते के वो थोड़ा सा दूर होने लगता है, क्यों, बिकॉज पहले रोज़ दादी माँ उनको स्कूल छोड़ने जाती थी, अब दादी माँ स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी क्योंकि खुशवंत सिंह एक मोटर बस में बैठ के स्कूल जाते थे। वॉट इज़ अ मोटर बस, जैसे आपको ऑटो रिक्शा वैन लेने आती है वैसे वो एक मोटर बस में बैठ के स्कूल जाते थे, तो दादी माँ छोड़ने नहीं जाती थी। सेकेंडली जब वो स्कूल से वापस आते थे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो पढ़ते थे तो वो दादी माँ को पढ़ा नहीं सकती थी उनको। पहले दादी माँ हमेशा उनको गॉड से रिलेटेड, स्क्रिप्चर से रिलेटेड बातें पढ़ाती रहती थी जो स्कूल में पढ़ाई जाती थी, बट अब उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी तो वो खुशवंत को पढ़ाई भी नहीं करा पाती थी। अब खुशवंत सिंह भी अपनी दादी माँ से दूर नहीं होना चाहते थे, वो कभी कभी उन्हें अपनी स्कूल की बातें बताते थे कि पता है आज मैंने आर्गम डीज कर ये लॉ पढ़ा, आज मैंने ये वाली पढ़ाई करी, आज मैंने स्कूल में ये चैप्टर पढ़ा। तो जब भी वो बताते थे तो दादी माँ थोड़ी अनॉयड हो जाती थी, क्यों, क्योंकि वो कहती थी ये कैसा स्कूल है, यहाँ तो गॉड के बारे में कोई बातें ही नहीं पढ़ाई जा रही है, यहाँ पे तो कोई भगवान से रिलेटेड बातें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। तो उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और एक दिन तो पता नहीं क्या ही हो जाता दादी माँ को जब वो सुनती हैं कि खुशवंत सिंह बताते कि उनके स्कूल में म्यूज़िक और डांस के लेसन देने लगे हैं, तो दादी माँ बहुत गुस्सा होती है, कहती है कि म्यूज़िक डांस ये तो मोनोपोली ऑफ बेगर्स है, यानी कि पुराने ज़माने के लोगों की सोच ऐसी होती थी, एंड पुराने ज़माने में होता भी ऐसा था दैट ये जो म्यूज़िक और डांस था ना ये अपर जो क्लासिफिकेशन था उसके लोग परफॉर्म नहीं करते, तो दास दासिया बंजारे वर्ड सुना आपने, जो बेगर्स होते थे वही म्यूज़िक और डांस करते थे, ये जो अपर राजा महाराजा और जो ये जनरल फोक होते थे वो लोग म्यूज़िक डांस को प्रेफर नहीं करते थे। तो उनको अच्छा नहीं लगता कि क्यों भाई स्कूल में म्यूज़िक और डांस क्यों सिखाया जा रहा है, तो वो इससे बहुत अपसेट हो जाती है। बट फिर भी वो कुछ नहीं कहती, एंड सी
फेल्ट बैड बट वो चुप हो जाती हैं। अब क्या होता है, खुशवंत सिंह भी आगे से अपनी दादी माँ को स्कूल से रिलेटेड बातें बताना बंद कर देते हैं। एंड देन नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आता है उनकी लाइफ में व्हेन ऑथर वेंट टू द यूनिवर्सिटी। अब उनकी स्कूल लाइफ कंप्लीट हो गई एंड अब ऑथर जाते हैं यूनिवर्सिटी में। एंड जैसे ही वो यूनिवर्सिटी लेवल के हो जाते हैं तो उनको एक सेपरेट रूम मिल जाता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो अभी तक दादी और पोते के रिलेशनशिप में एक कॉमन लिंक था, आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वो कॉमन लिंक क्या था, उनका रूम। दोनों एक ही रूम में थे, चाहे आप किसी के साथ एक रूम में रह रहे हो, चाहे ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हो, बट रोज़ एक दूसरे को देख तो रहे हो ना, आंखें तो देख रहे हो एक दूसरे से, और जब साथ में रह रहे हो तो थोड़ी बहुत बातें भी हो ही जाती हैं। अब जब खुशवंत सिंह बड़े हो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें एक सेपरेट रूम दे देते हैं पर्सनल स्पेस के लिए, एंड दादी माँ कुछ भी नहीं बोलती है। देखो इस समय पे भी दोनों ने पता है कि अब वो अलग रूम में जाएगा तो बातचीत तो दूर की बात देखने को भी नहीं मिलेगा, बट स्टिल वो बिल्कुल ही चुप रहती है और वो अपने सेक्लूजन को एक्सेप्ट कर लेती है। ये लाइन आपकी बुक में लिखी है, वो कभी भी किसी चीज़ के लिए ये नहीं कहती कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, हमेशा वो अपनी रोजरी बीच लेके पढ़ाई करती रहती है, स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती है, भगवान का नाम लेती रहती है। एंड शी यूज़ टू एक्सेप्ट दिस थिंग ऑल्सो कि खुशवंत को एक अलग रूम दे दिया गया है। अब जो कॉमन लिंक था वो भी ख़त्म हो गया उनके बीच में, एंड ग्रैंडमा अब बहुत कम सबसे बात करने लगी, शी रेयरली टॉक टू एनीवन नाउ। एंड उनका पूरे दिन का मोस्ट हैप्पी आर कौन सा होता था, जब वो स्पिंडल व्हील चला रही होती थी, स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा चला रही होती थी अपना आराम से बैठ के, रिसाइटिंग प्रेयर्स, और जो वो अपनी प्रेयर्स रिसाइट कर रही होती थी। एंड सेकेंड जो बेस्ट मोमेंट था उनकी, पूरे दिन का बेस्ट मोमेंट होता था, जब वो वरांडा के अंदर बैठ के रोटियां खिलाती थी छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियाओं को। तो जैसे वो लोग गांव में डॉग्स को रोटियां खिलाते थे, वैसे ही जो दादी माँ थी, जो शहर था वहाँ पे भी बर्ड्स स्पैरोज आ जाती थी उनके वरांडे में, और वो स्मॉल स्मॉल जो बर्ड्स थी उनको छोटे छोटे रोटी के टुकड़े खिलाती थी, और वो बर्ड्स भी दादी माँ को बहुत प्यार करती थी। कोई उनके यहाँ पे आके बैठती थी, कोई यहाँ पे आके हॉप करती थी, कोई उनके सर पे आके भी हॉप करती थी, बट दादी माँ ने कभी भी किसी को ऐसे शू करके नहीं उड़ाया, शी वॉज़ वेरी पीस एंड जेंटल, एंड जो स्पैरोज थी वो भी बहुत खुश होती थी। अब नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आता है व्हेन ऑथर वेंट टू अब्रॉड फॉर 5 ईयर्स। अब ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम था, ग्रैंड माँ की जो उम्र थी वो बहुत बढ़ चुकी थी, एंड ऑथर को अपने करियर कंटिन्यू करने के लिए अब्रॉड यानी कि फॉरेन कंट्री जाना पड़ा था पढ़ाई करने के लिए। अब इस समय पे जो खुशवंत सिंह थे उन्हें बुरा भी लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं 5 साल के लिए बाहर पढ़ाई कर रहा हूँ और यहाँ मेरी दादी माँ की डेथ हो जाए, तो करियर के लिए तो उन्हें वहाँ जाना पड़ा है। इवन जो ग्रैंड मदर थी वो भी कुछ नहीं कहती है इस बात को लेकर कि उन्हें अब्रॉड क्यों भेजा जा रहा है। तो जिस दिन पे वो अब्रॉड जा रहे होते हैं तो दादी माँ रेलवे स्टेशन तक उनको छोड़ने आती है। खुशवंत सिंह अंदर से यही कर रहे होते कि शायद ये मेरी इनसे लास्ट मीटिंग ना हो, बिकॉज उनकी ओल्ड एज को देखते हुए मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये 5 साल तक जिंदा रहेंगी भी या फिर नहीं रहेंगी। जाते जाते जो ग्रैंड मदर है वो उनको हग करती हैं और उनके फोरहेड पे किस करती हैं, और जब उन्हें किस भी करती है तो उनकी जो प्रेयर्स थी वो चल रही होती हैं। अब यही होता है, ग्रैंड मदर अकेली रहती हैं 5 साल तक और खुशवंत सिंह पढ़ाई कर रहे होते हैं। एंड ये थी दैट दादी माँ 5 साल तक अपने पोते का वेट करती हैं। 5 साल बीत जाते हैं, जो फ्रॉरन की पढ़ाई होती है वो कंप्लीट हो जाती है, खुशवंत सिंह वापस आते हैं अपने घर पे। 5 साल बाद दादी से मिलते हैं और दादी को मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। सो यू कैन सी हियर, दादी माँ मरी नहीं, उन्होंने वेट करा अपने पोते के घर वापस आने का। और जिस दिन खुशवंत सिंह अब्रॉड से वापस आते हैं तो पता है उस दिन वो क्या करती हैं, वो सारी के सारी मोहल्ले की जो औरतें थी ना, नेबरहुड की औरतें जो थी, लेडीज थी, उनको अपने घर बुलाती है, डायलैपिडेटेड ड्रम लेती है यानी कि एक बड़ा सा ड्रम लेती है और उसे बैंग बैंग करके बजाने लगती हैं और जोर जोर के गाने गाती हैं होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स के, यानी कि पुराने जमाने में जब जंग होती थी तो जब सोल्जर्स वापस जाते थे जो गाने तब गाए जाते थे वो गाने गा के वो खुशवंत का स्वागत करती है यानी कि उनका वेलकम करती है। शी वॉज वेरी हैप्पी कि 5 साल बाद मेरा जो पोता है वो घर आया है, और वो इतना एग्जर्शन करती है, इवन उनके पेरेंट्स जो खुशवंत सिंह कहते हैं कि दादी माँ आप इतनी एग्जर्शन मत करो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, बट नहीं, वो अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, ढोल बजाती हैं। एंड अगले दिन जो हमें लगा था और उनके पेरेंट्स को लगा था वही होता है, दादी माँ को फीवर चढ़ता था क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने बहुत एग्जर्शन करी होती है। जब उन्हें फीवर चढ़ता है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं माइल्ड फीवर है, उतर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दादी माँ को समझ में आ गया होता है कि ये उनका लास्ट आ रहा है यानी कि वो अब मरने वाली है। तो क्या करती हैं, वो कहते हैं मेरी रोजरी बीट्स दो, मेरी माला दो और मुझे भगवान का नाम लेने दो।
पेरेंट्स जो थे खुशवंत सिंह या खुशवंत सिंह कहते अगर आपको लग रहा है ये आपका लास्ट आवर है तो आप हमारे से थोड़ी देर बातें करो, पर दादी में कहती है नहीं, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने बहुत देर से भगवान का नाम नहीं लिया है, आई एम डूइंग माई रोजरी। वो लेट जाती हैं बेड के ऊपर एंड यू कैन रीड दिस लाइन, वो पीसफुली अपनी बिट्स को जो अपनी बीट्स थी रोजरी की वो पढ़ रही होती हैं। सडनली क्या होता है, माला उनके हाथ से गिर जाती है, प्रे करना उनके लिप्स बंद कर देते हैं एंड दिस इज द मोमेंट जब दादी माँ की डेथ हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हो दैट 5 साल तक वो रुकी नहीं अपने पोते के लिए एंड जब वो आए उसके अगले दिन ही उनकी डेथ हो गई। अब क्या होता है, सुबह हो जाती है जब उनके कॉप्स को बाहर रखा जाता है तो रूम के अंदर धूप आ रही होती है, गोल्डन लाइट से पूरा धूप से पूरा रूम जो है वो चमक रहा होता है। वहाँ उनकी कॉप्स पड़ी होती है नीचे ज़मीन पर एंड जो बर्ड्स हैं सारी की सारी बर्ड्स आके दादी माँ के आसपास में बैठ जाती है। नेक्स्ट स्ट्रेंज सिनेरियो क्या था कि वैसे बर्ड्स चीची 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 करके कर रही होती हैं बट आज बर्ड्स बिल्कुल चुप होती है, इवन दे वर शोइंग द मॉर्निंग, कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप बैठी होती है। खुशवंत सिंह की मदर जाके रोटियां तोड़ के लाके बर्ड्स को डाल देती है बट बर्ड्स वो नहीं खाती। जानवर भी बहुत समझदार होते, दिस शोज अस दैट जो बर्ड्स थी वो भी दादी माँ की डेथ के लिए मॉर्निंग शो कर रही थी। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, बर्ड्स भी उड़ के चली गई होती है, जो वहाँ रोटियाँ पड़ी होती है उसको स्वीपर हटा देता है। तो विद दिस हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। वी आर सीन हियर कि दादी माँ और जो पोते का रिलेशनशिप था वो कैसे दूरियाँ बनती गई जैसे जैसे वो बड़े होते थे एंड उनकी डेथ पे इवन जो बर्ड्स थे उन्होंने भी मॉर्निंग दिखाई, उन्होंने जो रोटियाँ थी उनको नहीं खाया, नेक्स्ट डे उनको फेंक दिया गया। तो दिस इज़ अ वेरी गुड लेसन जो हमें मिल रहा है दैट हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं हम उनको बिल्कुल सेक्लूड यानी कि बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं व्हेन वी आर गेटिंग यंगर, बट हम भूल जाते हैं कि जब हम बड़े होते रहते हैं बट हम भूल जाते हैं जब हम छोटे थे तो वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते थे। तो रादर देन हम लोग अपनी पूरी लाइफ में बिजी हो जाए हमें ग्रैंड पेरेंट्स पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी ग्रेट लेसन जो हमें ये स्टोरी दे रही है। तो विद दिस आई एंडिंग दिस वीडियो। अब अगर आपको इस चैप्टर के रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क, MCQ, शॉर्ट समरी जो हर एक बच्चे को चाहिए होती है वो चाहिए तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक, इस चैप्टर के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो जाके आप मेरी ID से एक्सेस कर सकते हो। एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है। इस इंग्लिश प्लेलिस्ट में क्लास 11 के सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे दोनों ही बुक्स के एंड अगर आपको राइटिंग सेक्शन स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, एवरीथिंग मैंने पढ़ा रखा है राइटिंग सेक्शन का, तो वो जाके पढ़ सकते हो। एंड 11th के ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड साइंस के सारे सब्जेक्ट्स आई विल बी टीचिंग, तो आप लोग BST, इको, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस अगर आपको पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट आ दे, यू कैन गो एंड चेक इट। सो बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।